सो ये गाइस, स्वागत कीजिए फिर से एक नए स्कैम का। एक लोन रीपेमेंट मैसेज फिर से लोगों के पास आ रहा है और इस बार थोड़ा सा अलग नाम से आ रहा है, रूपी वॉलेट। जी हाँ गाइस, रूपी वॉलेट के नाम से कुछ इस तरीके का लोन रीपेमेंट का मैसेज जो है लोगों के पास आ रहा है, आपको आपके स्क्रीन पर इस समय शो हो रहा है। इसमें अगर देखा जाए दोस्तों तो साफ साफ ये लिखा हुआ है कि इस आर्टिकल को भाई एकदम ध्यान से पढ़ लीजिए, आपका जो डेटा है बिल्कुल तैयार रखा हुआ है और उसको जो है अगर आपने कॉपरेट नहीं किया हमारे साथ लोन को सेटल करने के लिए, यानी कि लोन को रीपेमेंट करने के लिए अगर आप कॉपरेट नहीं करोगे, अगर आप लोन का अमाउंट नहीं पे करोगे तो वो डेटा जो है शेयर किया जाएगा। अगर आपको अभी भी फिक्र है अपने डेटा का तो भाई जल्दी से पेमेंट कर दीजिए वरना अगले दो घंटे के अंदर, जी हाँ गाइस, इसमें लिखा हुआ है कि अगले दो घंटे के अंदर जो है हम आपके जो कॉन्टैक्ट्स पर कॉन्टैक्ट करना चालू कर देंगे। और इसमें यह भी लिखा हुआ है अगर दो घंटे के अंदर आप पे नहीं करोगे तो हम जो है अपने किसी टीम के मेंबर को, यानी कि कोई भी बंदा जो कि उसका एम्प्लॉय होगा उसको वो भेज देगा आपके घर पर या फिर ऑफिस पर विजिट करने के लिए, पैसे वगैरह कलेक्ट करने के लिए। और इस तरीके की बातें लिखी गई हैं यहाँ पर। साथ ही एक और चीज़ लिखा हुआ है कि भाई हम आपके जो है बैंक अकाउंट डिटेल्स को ब्लैक लिस्ट कर देंगे, जिसके बाद आप जो है किसी भी ऐप से या फिर बैंक से कहीं से भी लोन नहीं ले पाएंगे। तो ये चीज़ें दोस्तों तब होने वाली हैं अगर आपने लोन वाकई में लिया हुआ है। तो अगर आपने इस रूपी वॉलेट वाले ऐप से सच में लोन लिया हुआ है, कभी भी लिया हुआ था, अगर आपने उसको पे कर दिया और अब ऐसा मैसेज आ रहा है तो आपको बिल्कुल ही अवॉइड करना है, आपको ब्लॉक एंड रिपोर्ट कर देना है व्हाट्सएप पर उसको। बिल्कुल भी घबराने वाली ज़रूरत नहीं है यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ हो। अगर आपने ऑलरेडी पे कर दिया है, कभी भी लोन लिया आपने पे कर दिया है, तो अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और यही अगर आपने जो है इसका नाम भी नहीं सुना, आपने इसको डाउनलोड ही नहीं किया है और फिर ऐसा मैसेज आ रहा है तो भी आपको सेम यही चीज़ करना है, ब्लॉक एंड रिपोर्ट। अगर आपके पास कंटिन्यूसली इस तरीके के मैसेजेस आ रहे हैं तो आपके पास दो ही ऑप्शन रहता है। पहला ऑप्शन तो यही है दोस्तों कि आप ब्लॉक एंड रिपोर्ट कीजिए उसको व्हाट्सअप पर। अदरवाइज़ जो है सेकेंड ऑप्शन ये है दोस्तों कि भाई जैसे ही आपके पास ऐसा कोई मैसेज आ रहा है और आप देख रहे हो कि काफ़ी समय से ऐसा मैसेज आ रहा है तो आप कुछ दिन के लिए अपना व्हाट्सअप का नंबर चेंज कर लीजिए, क्योंकि जब आप इन लोगों को कॉल करोगे तो ये लोग आपको यही कहने वाले हैं कि भाई हमें तो पता ही नहीं है हमारे व्हाट्सएप नंबर को एक्सेस करके आपको किसने ऐसा मैसेज भेज दिया, हम तो व्हाट्सएप यूज़ ही नहीं करते हैं। बहुत बंदे ऐसा भी कहेंगे कि हमने व्हाट्सएप यूज़ ही नहीं किया, हमने करते ही नहीं है। बहुत लोग ये भी कहेंगे कि भाई हम व्हाट्सएप तो यूज़ करते हैं लेकिन मैंने आपको कभी ऐसा मैसेज सेंड नहीं किया, ठीक है। तो इस तरीके की बातें सुन करके आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये बंदा झूठ बोल रहा है, फेक बंदा है, ठीक है, झूठ बोल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, वाकई में वो बंदा सच बोल रहा है। एक्चुअली में हो ये रहा है कि जब भी जो है आपके पास तरीके के मैसेजेस आते हैं, आप भी अगर उस लिंक पर क्लिक कर दोगे और उस तरीके के ऐप्स को डाउनलोड कर लोगे तो साथ में मॉलवेयर भी इंस्टॉल हो जाएगा आपके फोन में और मे भी बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं ऐसे में कि भाई आपके फोन का भी वो उसी तरीके से इस्तेमाल करने लगेगा, आपके नंबर से लोगों को इस तरीके के मैसेज जाने लगेंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा। ऐसा हो रहा है और आपके साथ भी हो सकता है। फिलहाल घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। अगर आपने लोन लिया हुआ था तो पे कर दीजिएगा, अगर आपने लोन नहीं लिया है तो बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है, ब्लॉक एंड रिपोर्ट कर दीजिए। दोस्तों अगर इस तरीके के मैसेजेस अगर आपके पास कंटिन्यूसली आ रहा है और आपने जो है इस लोन ऐप से लोन लिया था और आपने पे भी कर दिया है और फिर भी इस तरीके के मैसेज अभी आ रहे हैं तो आपको जो है पहले तो उसको समझाना है कि भाई मैंने पे कर दिया हुआ है। अगर वो नहीं मान रहा है, पेमेंट रिसिप्ट देखने के बाद भी नहीं मान रहा है, तो आपको इस सिचुएशन में जो है साइबर क्राइम की हेल्प लेनी है। आपको जो है साइबर क्राइम जो भी आपके नियरेस्ट ब्रांच है वहाँ विजिट करना है और कंप्लेन कर देना है। अदरवाइज आप चाहे तो ऑनलाइन साइबर कंप्लेन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन साइबर कंप्लेन करने के लिए cybercrime.gov.in पर जरूर विजिट कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट अवेयरनेस वीडियो में। अगर आपके साथ कोई भी ऑनलाइन स्कैम हुआ है उसकी जानकारी को मुझे इंस्टाग्राम या जीमेल पर जरूर दे दीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम आईडी और जीमेल आईडी आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार जरूर चेक कर लीजिए। और फिलहाल अगर आपने किसी भी ऐसे मैसेज में दिए हुए लिंक से कोई भी ऐप को डाउनलोड कर लिया था तो भाई आपसे रिक्वेस्ट करूंगा नीचे सोने वाले इस वीडियो को जरूर से वॉच कर लीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अवेयरनेस वीडियो में। थैंक यू सो मच।